तो हे व्हाट इज अप गेमर्स, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपके एक और नई ब्रांड न्यू वीडियो में। सो यार, अगर आपने हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को एंड इस लाइक कर दो यार हमारे फैंटास्टिक वीडियो को। एंड चलो हम इसका टूर देने वाले। सो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आपको नहीं पता होगा, मैं ये जो घर जो होते हैं माइनक्राफ्ट के, उन सबका टूर देता हूँ एंड भाई बहुत ही ज़्यादा मज़े करवाता हूँ एंड आप लोग को इन सब का डाउनलोड लिंक भी देता हूँ। सो अगर आपने हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। सो मिलता हूँ मैं आपको मेरे इंट्रो के बाद। तो भाई लोगों, इंट्रो कैसा लगा वो मेरे को जरूर बताना। एंड यहाँ पे मैं आता हूँ एंड देख सकते हो यहाँ पे एक बुक रखी है जिसके अंदर 3 पेज पढ़े और मैं तो बिल्कुल नहीं पढ़ने वाला। अगर तुमको पढ़ना है तो पढ़ लेना। एंड यहाँ पे देखो तो यहाँ पे लिखा है वेलकम टू माय रेडस्टोन हाउस एंड स्मार्ट हाउस है। देखते ही पता चल जाएगा भाई कैसा स्मार्ट हाउस है। एंड मेड बाय है क्रिश। तो क्रिश भाई थैंक यू, तुमने ये हमारे लिए घर बनाया, नहीं तो हम तो कहाँ बनाने वाले। सो कुछ जो चीज़ें होंगी भाई रेडस्टोन की वो शायद से ग्लिच कर सकती है आपके में भी और मेरे में भी। तो आप लोगों को क्या करना है, बस लीव करना है एंड रीजॉइन करना है वर्ल्ड को। देन यहाँ पे देख सकते हो मेक श्योर टू हैव फन वगैरह लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये है अपने घर का मैप जो कि फैंटास्टिक है। तो चलते हैं फिर देखते हैं घर को। एंड यहाँ पे मैं तुमको थोड़ा मैप दिखा देता हूँ। सो ये अपना घर एंड यहाँ पे थोड़ा बहुत फार्म है। सो फार्म भी तुम लोग बाद में मैं दिखाऊंगा तुमको एंड फार्म भी बहुत ज़्यादा ओपी है। यहाँ पे हम चलते हैं। ये है अपना मेन हाउस जो कि आपने पहले इंट्रो में देख लिया होगा, इंट्रो से पहले। सो यहाँ पे देखो भाई बहुत ही ज़्यादा मस्त वाला हाउस है। तो यहाँ पे चलते हैं एंड देखते हैं भाई क्या क्या कमाल खिलाया है इन लोगों ने इस वर्ल्ड में। सो ये हम आ गए यहाँ पे। सो ये है एंट्रेंस। एंट्रेंस तो मुझे उतनी ज़्यादा कुछ खास लगी नहीं। एंड हाँ मैं ये बता दूँ, ये वर्ल्ड मैंने लिया है ए के ए द मोबाइल गेमर से। एंड सॉरी मैं उनका नाम भूल गया, तो मैंने उनके वीडियो से लिया है ये वाला वर्ल्ड, तो आप लोग भी देख सकते हो। तो यहाँ पे लिखा है आउटडोर लाइट्स, नाइस भाई। तो ये देख सकते हो ये वाली लाइट जो है इसकी बात हो रही है अभी। सो अभी किसके ऊपर है, ऑन के ऊपर है या ऑफ़ के ऊपर है? तो मैं यहाँ पे जाके देखूँ तो नोटिफिकेशन क्यों आ रहा है यार। तो अभी ऑफ है एंड मैं इसको जैसे क्लिक करूँगा तो ऑन हो जाएगी। सो अभी थोड़ी देर में रात हो जाएगी तो हम लोग ऑन ही रखते हैं। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है गेट, तो गेट में अच्छा यहाँ से कोई बाहर ही नहीं जा पाएगा। एंड यहाँ पे स्टिके ये लगे हुए हैं पिस्टन, तो तुम लोग यहाँ पे चिपक भी सकते हो शायद से अगर बाहर से आओ तो। सो यहाँ पे मेरे को कुछ दिख रहा है तो यहाँ पे चल के देखते हैं। एंड यहाँ पे है ओ नाइस, ये तो एक अपना घोड़े का इन कुत्ते का घर है। तो ये लीवर, अच्छा ये लीवर ये चीज़ें हटाता है। यहाँ पे अंदर देखे तो एक कुत्ता है यार हमारा जो कि बहुत ही प्यारा है। सो नाइस यार, बहुत ही अच्छा बनाया है क्रिश भाई ने, जिसने भी बनाया। तो यहाँ पे चलते हैं फिर आगे। एंड ये था अपना जो भी कुछ था, मतलब अपना पेट का घर। तो अभी आगे आते हैं एंड देखते हैं यार, ये है प्रेस बटन टू ऑन ऑफ। अच्छा तो यहाँ पे किया ऑफ एंड ओ नाइस, ये ऑफ हो गया। तो इसको ऑन ही रहने देते हैं क्योंकि अच्छा लग रहा है। एंड यहाँ पे लिखा है वेलकम टू माय स्मार्ट हाउस। ओके भाई वेलकम वेलकम, तुमने हमारा वेलकम किया, हम भी तुम्हारा करेंगे। सो चलते फिर अंदर एंड देखते भाई क्या क्या है अंदर। तो यहाँ पे जैसे ही तुम एंटर करोगे सिर्फ ये फोटो दिख जाएगी जो कि एकदम घटिया है। तो ये है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है प्रेस बटन फॉर फूड। अच्छा यहाँ पे क्या है भाई साहब, ये फूड थोड़े, ये तो अमृत है अमृत भाई, मतलब माइनक्राफ्ट का अमृत है ये तो। एंड यहाँ पे जाके देख ले तो भाई साहब, मतलब इतने सारे एन्चांटेड एप्पल मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे। मैंने मेरे सर्वाइवल रोड में भाई एक ढूंढ रहा था सिर्फ एक। तो यहाँ पर हम आते हैं एंड यहाँ पर दिखता है सिंपल एन्चांटमेंट रूम। ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, यहाँ पे आओ तुम एन्चेंट करो अपनी चीज़ें एंड वापस चले जाओ। सो यहाँ पे एनुअल वगैरह भी है, तो अगर आपके पास बुक्स है तो। ओह शिट ये क्या है, यहाँ पे बस एरो बना हुआ है, इसको करते क्या होगा, कुछ तो होना चाहिए, देखते हैं क्या होता है। ओ यहाँ पे एक चेस्ट आ गया यार। एंड यहाँ पे चार एन्चेंटेड एप्पल भाई, मतलब मजाक को रखा है क्या। एंड यहाँ पे 2 गोल्डन स्वॉर्ड, मतलब डायमंड स्वॉर्ड। तो भाई तुम अपने आप से जो भी रखना चाहो रख सकते हो एंड मेरी तरह तोड़ फोड़ बिल्कुल मत करना, मैं ये कहूँगा। एंड यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे है अपना डोर बैक यार्ड की तरफ, तो यहाँ पे बैक यार्ड आ जाता है। तो यहाँ पे मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे आता है अपना एक स्विमिंग पूल। तो स्विमिंग पूल को अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या लाइट्स, अच्छा ये स्विमिंग पूल की लाइट्स ऑन ऑफ करने के लिए। सो मैं अभी इसको ऑफ कर देता हूँ क्योंकि अभी फ़िलहाल कोई है नहीं, तो फिर यही हो जाएगा, बिजली का बिल कौन भरेगा यार।
यहाँ पे जाके देखे तो ऊपर से तुम डाइव भी कर सकते हो, तो मेरे को नहीं करना है। तो आगे चलते हैं, एंड यहाँ पे अपना टेनिस कोर्ट है, तो ये भी अच्छा है, तुम यहाँ पे टेनिस वगैरह जो भी तुम खेलना चाहो खेल सकते हो। फिर यहाँ पे आगे चलते हैं, ये हम वापस चले गए। एंड यार ये इतना नोटिफिकेशन क्यों आ रहा है? यहाँ पे देखो तो यार ये है यार, मतलब ये अपने एक डाइनिंग टेबल है और कुछ नहीं है। यहाँ पे आते हैं हम किचन की साइड, वो भाई साहब ये तो कुछ अलग ही है। तो यहाँ पे एक लाइट्स का ऑप्शन, तो ये देखो भाई लाइट्स बंद करते ही भाई मतलब अंधेरा अंधेरा हो गया, नहीं मज़ा आया, तो लाइट्स को कर देते हैं ऑन। एंड देख सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा फैंटास्टिक लग रहा है। एंड यहाँ पे देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है थ्रू द रॉ आइटम्स हियर। अच्छा, तो यहाँ पे अगर तुम अपने पूरा मतलब जो भी चीज़ें तुमको पकानी है वो रखोगे तो वहाँ पे पक के बाहर निकलेगी। क्योंकि ये चिकन है तो मैं चिकन को यहाँ पे रखता हूँ, तो ये पकने लगा है अभी देखो। एंड यहाँ पे चेस्ट में देखो 64 64 हो रखा है, तो यहाँ पे एक नया आ जाएगा, मतलब एक नया स्टैक बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो दो दो तीन सेकंड हम लोग वेट कर लेते हैं, ये देखो आ भी गया एक। सो ऐसे ही होता है भाई, तुम ऐसे कर सकते हो। ये बटन्स तो डेकोरेशन के लिए और कुछ है नहीं। एंड यहाँ पे जाके मैं देखूँ तो यहाँ पे लिखा है वाटर, तो इसको क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे पानी आ गया भाई। बहुत अच्छा सिंक वाला वो करने का कोशिश किया है। एंड यहाँ पे लिखा है रबिश बिन, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे मैं कुछ भी फेंकूँगा तो वो चला जाएगा भाई, वैसे ही लग रहा है। इसको फेंका, ओ नाइस, देखो एक एक करके जा रहे चीज़ें, तो मतलब ये मेरे ख्याल से लावा में गिर रही होगी यहाँ से। ओके नाइस भाई, बहुत बढ़िया। तो अभी देखो ऊपर भी एक रास्ता जा रहा है, लेकिन ऊपर में ज़्यादा कुछ अच्छा है नहीं, तो तुम अपनी खुद से देख लेना। तो हम लोग चलते हैं नीचे, क्योंकि सारा माल पानी यहीं पे है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं इसको, ईजी एक्सपी, तो यहाँ पे तुम एक्सपी ले सकते हो भाई बहुत इजीली। एंड यहाँ पे भाई तुम बहुत ज़्यादा जोम्बिस को मार सकते हो, लेकिन उसके लिए तुमको सर्वाइवल होना चाहिए, और मैं सर्वाइवल बिल्कुल नहीं हूँ, अभी क्रिएटिव हूँ और मैं रिस्क लेने भी नहीं वाला। तो यहाँ पे देखो भाई, तो यहाँ पे डाउन ही है, तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ओपी स्वॉर्ड के लिए लिखा है। तो और ये स्वॉर्ड बहुत ही ज़्यादा ओपी है, क्योंकि इस पर शार्पनेस 5 अनब्रेकिंग एंड फायर एस्पेक्ट भी लगा हुआ है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ स्वॉर्ड्स रख सकते हो, आप कुछ भी रखो यार। एंड ये मैंने पहले कर रखा है, तो इसको फिर से मैं बंद कर देता हूँ एंड मैं फिर से चालू करता हूँ ताकि आपको दिख जाए। तो ये देखो यहाँ पे जो ये है यहाँ से खुलेगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कोड क्या है। सो यहाँ पे एक्स जहाँ पे बना हुआ है वहाँ पे हमको कर रहे हैं। सो मेरे को तो याद है यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये जो नीचे वाला है वो है, अरे बंद मत हो जा, ये है एंड ये वाला है। तो ये करते ये ओपन हो जाएगा, एंड उससे पहले ये यहाँ पे तो हाँ सब दिखा दिया है। सो हम चलते हैं यहाँ पे डाउन, एंड यहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। तो एक नेदर पोर्टल, एंड भाई मेरा ये जो है वो दिखा नहीं पा रहा कुछ भी। एंड नेदर पोर्टल ओपन करने के लिए भाई तुमको ये लीवर प्रेस करना पड़ता है, तो ओके बहुत हार्ड। एंड यहाँ पे क्या लिखा है, ओके वन मिनट, मैं पहले इसको बंद कर दूँ, उसके बाद तुमको दिखाता हूँ। सो तुमको ऐसे जाना है, यहाँ पे खड़े रहना है, रुको बंद हो जा, यहाँ पे खड़े रहना है, इसको बंद करना है। तो तुमको देखने को मिल जाए कि मतलब एक ज़्यादा ही अच्छा वाला रूम। तो नॉर्मल बंदे क्या करते हैं, यहाँ पे आएंगे, देखा अच्छा ये तो खुल गया, ओके कोई ना, यहाँ पे तो चेस्ट रखे और कुछ नहीं। लेकिन जैसे तुम दरवाज़ा बंद करोगे भाई मतलब क्या ही बोलूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक है ड्रैगन का एग, जो कि बहुत मुश्किल से मिलता है, मैंने बहुत मुश्किल से गवा भी दिया। तो यहाँ पे एक बटन है जो कि लाइट्स के लिए है, सो ये लाइट्स से बंद हो जाएगी, लेकिन मेरे को अंधेरे से डर लगता है तो चालू ही रखो लाइट्स को। सो यहाँ पे है क्राफ्टिंग एंड वॉल्ट, तो हम लोग पहले क्राफ्टिंग को देख लेते हैं। सो चलते हैं आगे एंड देखते हैं भाई क्राफ्टिंग में क्या क्या दे रखा है इन लोगों ने। तो यहाँ से जाना है डाउन, हो भाई मैंने ऊपर बहुत तबाही मचा दी, अब क्या ही बोलूँ। तो देख सकते हो ये तो है नॉर्मल चीज़ें, एंड यहाँ पे जैसे ही तुम प्रेस करोगे तो यहाँ पे खुफिया आ जाएगा बैरल, तो इसमें आप तुम्हारी कोई भी चीज़ें रख सकते हो आप लोग अपनी। सो ठीक है भाई, अब इस तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे है अपना भाई क्राफ्टिंग टेबल एंड ये क्या कहते हैं इसको, फर्नेस। तो एंड यहाँ पे देख सकते हो यार बहुत सारे चेस्ट हैं, बहुत कुछ है, तो आप अपने हिसाब से देख लेना भाई, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं तुमको दिखाता हूँ, जो कि ये तो लाइट्स के लिए है। एंड इस डोर के जैसे तुम आगे जाओगे सो यहाँ पे तुम लोग को देखने को मिल जाएगा फर्नेस रूम। तो आपको क्या करना है, बस ये रहा, अरे यार इस चेस्ट है, इसमें आपको अपनी रॉ आइटम्स रखनी है जो भी आपको पकानी है, एंड बाकी सारी कुकड आइटम यहाँ पे नहीं, ये सब यहाँ पे कोल वगैरह है। तो आपको कोल फर्नेस में अगर डालना हो तो,
एंड ये देख सकते हैं यहाँ पे आपकी सारी चीज़ें आ जाएगी जो भी आप पकाओगे। एंड यहाँ पे पहले से बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई है पर पकी हुई। तो चलते हैं फिर बाहर। एंड इस रूम के लिए बस इतना ही है। एंड यहाँ पे थोड़े चेस्ट भी पड़े हुए, तो आपकी मर्जी भाई, आप कुछ भी रख सकते हो इन चेस्ट में। तो ये रूम तो किसी को पता नहीं चलने वाला, तो ये सब कुछ सीक्रेट ही है। तो चलते फिर ऊपर। एंड भाई ऊपर तो मैंने तबाही से मचा रखी थी, मतलब बहुत कुछ तोड़ दिया था। हाँ ओके, सब चलते हैं भाई अपने दूसरे वाले रूम में जो कि है वॉल्ट। और हाँ वॉल्ट है, तो वॉल्ट में भी मज़ा आएगा आप लोग को। मैं दिखा दूँ तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पहले तुमको ये पैटर्न सॉल्व करना पड़ता है। 2 3 करके है, हाँ 2 4 एंड 9 है। तो आपको ये बटन दबाना है, देन ये बटन दबाना है, तभी जाके ये खुलेगा। नहीं तो ऐसे नहीं खुलेगा, तो ट्राई मत करना, नहीं तो ब्लॉक हो जाएगा 3 ट्राई के बाद। सो ये देख सकते हो, लॉक द लाइट्स एंड मेल द डोर। तो ये सब हमको नहीं करना है, तो हमको अभी ऊपर जाना है। तो ये हम आगे ऊपर। एंड यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे स्टोरेज वगैरह भी है। सो वाटर बॉटल डिस्पेंसर फिल अप विद द एम्प्टी बॉटल्स। तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपको एम्प्टी बॉटल्स डालनी है बहुत सारी। सो देख सकते हो बहुत सारी है। एंड यहाँ पे देख सकते हो भाई पानी की बोतलें, तो खाली बोतलें पानी की बोतलें में भर जाएगी, बस यही है इसका काम और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे एक छोटा सा ब्रूइंग स्टैंड है जो कि आपको कुछ भी दे सकता है अगर आप यहाँ पे कुछ भी प्रेस करो। जैसे कि मेरे ख्याल से क्या प्रेस करना था, मेरे ख्याल से मेरे को याद नहीं आ रहा। मेरे ख्याल से अगर मैं इसको प्रेस करूँ मेलन को, सो शायद से कुछ होता होगा, है ना। रुक जाओ यार, ये देखो मेलन आ गया और ये अभी जल रहा है। देखते भाई मेलन से क्या कौन सा पोशन बनता है आते आते। एंड यहाँ पे देखो तो भाई यहाँ पे एक स्टोरेज रूम है। एंड उसके यहाँ पे लाइट फ्लैश तो मैं बंद नहीं करूँगा क्योंकि बहुत बार कर चुका हूँ। तो एक स्टोरेज रूम, तो यहाँ पे स्टोरेज में नॉर्मल जो भी बंदे रखते हैं तुम भी यहाँ पे रख सकते हो, जिसके इन बैरल्स में। एंड भाई ये इंस्पायर्ड बाई रॉनी गेम्स है, क्योंकि जो रॉनी गेम्स ने किया था बिल्कुल इस टाइप का ही किया था उसने भी, मतलब उन्होंने भी जो भी तुम कहो, तो उनका भी यही सेम था। तो आप भी ऐसा चाहते हो रॉनी गेम्स की तरह, तो आप ये भी कर सकते हो। एंड यहाँ पे देखो, सो यहाँ पे पोशन ऑफ मून डांस हो गया, तो मून डांस ओके। सो यहाँ पे इसको भी क्लिक कर देते हैं, बाकी एक अच्छा पोशन बन जाए। भाई पता नहीं कौन सा पोशन बना रहा हूँ मैं, अच्छा कोई पोशन ही बनता इससे। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, और तो कुछ कर नहीं सकता भाई, रहने दो, कुछ करना नहीं है। वैसे भी कोई अच्छा पोशन बनेगा नहीं मेरे से। तो चलते हैं फिर यहाँ पे नीचे। एंड यहाँ पे वापस आ गए। एंड देखते हैं भाई यहाँ पे ऊपर चलते हैं वापस। तो अब मैं तुमको दिखाता हूँ फार्म्स भाई, जो कि बहुत ही बढ़िया वाले फार्म्स हैं। एंड भाई तुमको देख के मज़ा आ जाएगा। एंड भाई यहाँ पे मैं फिर से धोखा खा गया था। सो चलते फिर ऊपर। एंड बहुत ही ज़्यादा ऊपर चलते हैं। एंड फ्री का एक्सपी भी लूट लेते हैं, क्योंकि फ्री की चीज़ें कभी नहीं छोड़नी चाहिए। तो चलते हैं फिर ऊपर। एंड यहाँ से बाहर कहाँ जाना था, यहाँ पे ओके। सो यहाँ से बाहर जाना है। क्या है यार ये भेड़ बकरियाँ बहुत ज़्यादा परेशान करती है यार। सो अभी मैं थोड़ा वेदर वगैरह क्लियर कर देता हूँ। सो ये हो गया वेदर क्लियर क्लियर यार। एंड यहाँ पे मैं टाइम सेट को कर देता हूँ डे। सो ये हो गया सनराइज, मतलब डे हो गया वन टाइप ऑफ। तो यहाँ पे अपने फार्म्स भाई, जो कि बिल्कुल ओपी है एंड बिल्कुल ऑटोमेटिक है। सो अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो यहाँ पे पानी से ऐसे भर जाएगा। एंड ये सारी चीज़ें जो है इस वाली चेस्ट में आके इकट्ठा हो जाएगी। तो यही इसका काम है। एंड देख सकते हो यहाँ पे सारे फार्म्स हैं। ये रहा शुगर केन, यहाँ पे है क्या कहते हैं इसको कैरेट, यहाँ पे बीट रूट है ना। हाँ चलो बीट रूट को भी हम लोग काट देते हैं, सारे बीट रूट। एंड ये सब आ जाएंगे वहाँ पे यार अपने चेस्ट में। सो 2-3 पीसेज जो हो गए बाहर रह जाएंगे, तो आप उनको मैन्युअली कलेक्ट कर लेना। एंड हाँ यहाँ पे एक फार्म है जो मैन्युअल है, जो कि है वाटरमेलन एंड पम्पकिन। और क्योंकि यार वाटरमेलन एंड पम्पकिन भाई अपने आप नहीं टूटते हैं किसी भी चीज़ से, इसकी वजह से। एंड अगर मैं एक और ख़ास चीज़ दिखाऊं, तो यहाँ पे वर्ल्ड के इसी तरफ भाई तुमको देखने को मिल जाता है एक छोटा सा विलेज। एंड यहाँ पे भी अच्छी खासी लूट है भाई, अगर तुम लोग देखो तो। सो बस यार आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। एंड सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। एंड हाँ लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, हम लोग को जुलाई से पहले पहुँचना है 150 सब्सक्राइबर। तो फटाफट से जाओ यार अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, हमको पहुँचना है। एंड ठीक है यार चलो आज की वीडियो के लिए इतना ही। एंड जिन लोगों को भी यार मैं कब लाइव स्ट्रीम करता हूँ, कैसे करता हूँ, जो भी क्वेरीज है तुम्हारी लाइव स्ट्रीम की वजह से, तो जाओ यार मेरे को डिस्कॉर्ड पे जाके पूछ सकते हो, या फिर कमेंट सेक्शन में भी पूछ लेना, मैं तुमको इन द 24 आवर्स दे दूंगा भाई आंसर। सो दिल से टेक केयर एंड बाय बाय।